ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू लेसन, दैट इज छोटूज हाउस. एंड दिस इज अवर न्यू लेसन एंड न्यू टॉपिक फॉर टुडे. सो यू ऑल विल हैव योर टेक्स्ट बुक विथ यू, बिकॉज हियर ड्यू टू नेट प्रॉब्लम्स देयर मे बी स्क्रीन शेयरिंग प्रॉब्लम विल बी देयर. बार बार स्क्रीन आपको दिखेगी, फिर जाते रहेगी. ओके, तो आपके पास टेक्स्ट बुक अगर होगा तो आप इजीली उसमें देखकर ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं. ओके नाउ सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो इन योर टेक्स्ट बुक यू कैन सी देयर ऑन पेज नंबर 30 देयर वी हैव छोटू हाउस एंड समृद्धि सोना. बेटा आपका माइक में बंद करता हूँ, फिर भी आप ऑन कर देते हैं. बस अभी आपको कुछ नहीं करना है, उसको मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ, आप फिर से ऑन कर रहे हो उसको. वो आपके स्क्रीन पर रेड कलर का दिखना चाहिए. अमन, यस, वेरी गुड. माइक सबका बंद ही होना चाहिए. वेरी नाइस. सो लेट्स स्टार्ट. छोटू केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, वी ऑल नो दैट मुंबई इज द कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र. हमारे महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी है मुंबई, और मुंबई में बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पर काम करने के लिए आते हैं. ठीक, आपने अभी देखा भी होगा कि जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हो गया तो उसके बाद से फिर बहुत से लोग थे कि जो पैदल ही उनके गांव हमारे एरिया से गुजरते हुए जा रहे थे. तो आपने देखा होगा कि उनमें बहुत से लोग मुंबई एरिया से थे. ओके, सो इन योर टेक्स्ट बुक यू कैन सी तो फोर पिक्चर्स ऑन द फर्स्ट पेज. इन फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी छोटू केम टू मुंबई एंड ही इज़ लुकिंग फॉर जॉब और लुकिंग फॉर हाउस. वो मुंबई में आकर वहाँ पर जॉब के लिए सर्च कर रहा था इधर उधर. इन दैट पिक्चर यू कैन सी वहाँ पर ये जो लेडी और एक छोटा सा बच्चा चल रहा है, उनके पीछे एक पाइप है, सीमेंट का पाइप बड़ा सा. ठीक, सब लोगों को उसमें वो दिखाई दे रहा होगा. तो छोटू इधर उधर देखता है. फिर इन सेकेंड पिक्चर वी कैन सी रेनिंग इज़ देयर. वहाँ पर बारिश हो रही है और वो छोटू जो है वो वहाँ पर बारिश के अंदर ही बैठा है. जैसे सोचो अभी बाहर बारिश हो रही है. ओके, और अगर आपके पास अगर रहने के लिए घर नहीं होता, अगर आपके पास रहने के लिए घर नहीं होता तो आपको इसी बारिश में ऐसे ही भीगना पड़ता और आप उससे बीमार भी हो सकते. बट वी ऑल हैव हाउस, दैट्स वाई वी आर सेफ इन आवर हाउस. ओके, बिकॉज आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेन देन हीट. ओके, फ्रॉम दीज थिंग्स आवर हाउस प्रोटेक्ट अस. इन थर्ड पिक्चर वी कैन सी द छोटू. छोटू जो है वो हमें पाइप के अंदर सोया हुआ दिख रहा है. ही इज स्लीपिंग इन द पाइप बिकॉज व्हेन ही सर्च फॉर हाउस. आपको भी पता होगा कि जो बड़ी बड़ी जो सिटीज़ होती है उनके अंदर घर आपको आसानी से नहीं मिलता, और छोटे के पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि वो घर रेंट पर लेकर वहाँ पर रहे. तो उसने देखा कि बारिश में बचने से अच्छा है कि वहाँ पर जो पाइप है उस पाइप में वो सो गया. देन इन द नेक्स्ट पिक्चर वी कैन सी ही स्टार्टेड लिविंग इन द. उसने क्या किया, उस पाइप में रहना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पर उसने पाइप का जो एरिया था उसको तीन चार पार्ट्स में उसने उसको डिवाइड कर दिया. कन्हू सावले, बेटा माइक बंद रखिए अपना. कन्हू सावले, आपके पास जो भी होगा, क्योंकि 40 मिनट की क्लास होती है उसमें भी 10 लोग तो माइक के अलावा
एक को बंद करने के लिए कहा जाता है, दूसरा फिर से चालू कर देता है। अभी पलक पाटिल, आपने क्यों चालू किया माइक? ओके, सो इन फोर्थ पिक्चर वैकेंसी ही स्टार्टेड लिविंग इन दैट पाइप। आप अगर उसको गौर से देखें उस पाइप को, तो उसने क्या करके रखा था, बीच में वहाँ पर उसका बेड भी है, उसने बिस्तर लगाया है, कुछ एरिया ऐसा है कि उसने वहाँ पर उसने कपड़े सुखाए हैं, बाहर आप देख सकते हैं कि वो खाना पका रहा है, एक तरफ उसके पास छोटी सी टंकी है। तो छोटू जो है वो उस पाइप में रहने लगता है। ये हमारा चार पिक्चर्स का हमने अभी तक देखा है। नाउ लुक ऑन नेक्स्ट। तो मुंबई जो है, मुंबई किसमें है? महाराष्ट्र में। इन दिस मैप यू कैन सी मुंबई जो है महाराष्ट्र में। वैसे ही यहाँ पर ये इंडिया का मैप है, और इसमें जो हमारे स्टेट्स हैं उनके नाम यहाँ पर आपको दिखेंगे। ओके, तो इन नेक्स्ट पिक्चर छोटू सॉ वन बॉय, ही इज ऑल्सो सर्चिंग इन जॉब एंड प्लेस। वो जो दूसरा जो लड़का है उसका नाम है मोनू। ओके, जो दूसरा जो लड़का है फिफ्थ पिक्चर में हमें दिख रहा है उसका नाम मोनू है। मोनू भी छोटू की तरह ही वो आता है मुंबई में काम के लिए, और जब छोटू उसको देखता है, इन नेक्स्ट पिक्चर वी कैन सी छोटू और मोनू दोनों एक साथ बैठे हैं, तो छोटू उसको अपने साथ रख लेता है, क्योंकि उसे भी पता होता है, ही नोज दैट हाउ डिफिकल्ट इज टू फाइंड हाउस इन मुंबई। ठीक है, तो ये सिर्फ पिक्चर्स हमें दिए हैं, टोटल सिक्स पिक्चर्स हमें दिए हैं, सिक्स पिक्चर्स हमने ऑब्जर्व किए हैं। एंड नाउ देर आर सम क्वेश्चंस आर देयर, सो लेट्स सी व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक एट द पाइप। जब उसने पाइप को देखा होगा तो उसे उसने क्या सोचा पाइप को देखकर? हु विल टेल अस? जिसको भी आंसर देना हो, ठीक, वो सिर्फ चैट बॉक्स में मुझे बताया कि सर मुझे आंसर देना है। जिसको भी आंसर देना है वो चैट बॉक्स में आंसर देगा, मुझे बताएगा सर मुझे आंसर देना। जब मैं उसको यहाँ से यस बोलूँगा तो तभी वो अपना माइक ऑन करेगा। किसी का भी अभी चैट बॉक्स में किसी का कुछ आया नहीं है, लेकिन मेरे सामने यहाँ पर तीन चार लोगों के वीडियोस यहाँ पर चल रहे हैं, जैसे अमन पठान। अमन आपको आंसर देना है? अगर आंसर देना है तो हाथ ऊपर करो। ओके, गौरव। ओके, प्रद्युम पिंपले। बेटा आप अपना माइक ऑन करो और आंसर दो। प्रद्युम, ओके प्रद्युम बेटा आपको आवाज़ आ रही है? हाँ रही सर। ओके ठीक है, तो आंसर बताओ। ओके, तो छोटू यूज द पाइप एज हिज हब। ओके, हेमाक्षी का आंसर आया है, प्रद्युम ने भी बराबर वही आंसर दिया है। ओके, आप अभी माइक बंद कर लीजिए। तो द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिला है कि छोटू यूज दैट पाइप एज अ हाउस, एज अ होम, उसने उस पाइप को यूज़ किया अपने हाउस के तरह। नाउ नेक्स्ट, हाउ डिड छोटू यूज द पाइप? हाउ डिड छोटू यूज द पाइप? छोटू ने पाइप का यूज़ कैसे किया? हमने पिक्चर में देखा था कि उसने उस पाइप को तीन चार सेक्शंस में उसने बांट दिया, जैसे कि एक जगह पर उसने अपना बेडरूम टाइप बनाया है, एक जगह पर उसने अपने कपड़े सुखाने के लिए ड्राइंग रूम बनाया है। ओके, तो इस तरह से उसने उस पाइप को डिवाइड कर दिया इंटू विच पार्ट्स। जैसे हम हमारा
घर डिवाइड करते हैं, हमारे घर में जो रूम्स होते हैं वो सारे हमारे डिवाइड होते हैं, जैसे किचन होता है, देन उसके बाद बेडरूम होता है, लिविंग रूम होता है, ड्राइंग रूम होता है। इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारे हाउस के पार्ट्स हम डिवाइड कर देते हैं, इज इट। तो उसी तरह से छोटू ने भी क्या किया, अपने पाइप के जो पार्ट्स बनाए उसने ऐसे उनको पार्ट्स में उसने डिवाइड किया है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो आंसर्स आपको सिर्फ वहाँ पर ऐसे ओरली देने हैं, लिखना नहीं उनको, ठीक है। ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आपको सिर्फ ओरली बताने हैं, और ये आप आपके पेरेंट्स को भी बता सकते हैं। जस्ट लाइक इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू लिव मोस्ट ऑफ हिज टाइम। अभी छोटू का तो वो पाइप का घर है, उसमें तो वो जहाँ पर वो ब्रेड करता है उसी एरिया में वो ज़्यादातर। कोई तो है कि जिसका माइक ऑन है वो बार बार डिस्टर्ब हो रहा। प्लीज़ आपका माइक आप ऑफ ही रखिए, आपका माइक रेड कलर का दिखना चाहिए आपके मोबाइल में। वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप? छोटू ने मोनू को क्यों इनवाइट किया होगा? एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, बिकॉज छोटू नोज द डिफिकल्टीज इन मुंबई। छोटू को पता है कि क्या क्या परेशानी मुंबई में रहने वालों को होती है। दैट्स वाई ही इन्वाइट मोनू टू लिव विथ हिम, एंड ही वॉन्ट्स अ फ्रेंड। उसको भी एक फ्रेंड मिल गया रहने के लिए, साथ में रहने के लिए। दैट्स वाई ही कॉल्ड मोनू टू लिव विथ हिम इन पाइप। सी सेम क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर आपको दिख सकते हैं, यू कैन सी आंसर्स हियर। हमारा जो पहला क्वेश्चन था, व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक एट द पाइप, तो उसका आंसर यहाँ पे यू कैन सी, व्हेन छोटू लुक एट द पाइप ही थॉट दैट पाइप विल बी द सेफेस्ट प्लेस टू लिव। पाइप कुड सेव हिम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स, रेन एंड कोल्ड। जैसे हमारा जो घर होता है वो हमें बचाता है किससे, विंड से, हवा से, जो जोरदार हवा चलती है ना उससे हमें हमारा घर बचाता है। उसके बाद रेन, बारिश से हमें घर हमारा घर ही बचाता है, क्योंकि जैसे अभी बारिश हो रही है तो कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो बाहर बैठ के क्लास अटेंड कर रहा है, सभी लोग घर के अंदर बैठ कर ही क्लास अटेंड कर रहे हैं। देन कोल्ड मतलब सर्दी, सर्दी के मौसम में अगर घर ना हो तो हम बाहर ऐसे ही सर्दी में ठिठुरते रह जाएंगे। देन इन छोटू डिवाइडेड द पाइप इंटू स्लीपिंग एरिया, कुकिंग एरिया, अ पार्ट फॉर ड्राइंग क्लोथ, अ पार्ट फॉर कीपिंग ड्रिंकिंग वाटर, एंड अ पार्ट वेयर गेस्ट कैन सिट। छोटू ने क्या किया, अपना जो पाइप था वो उसका हाउस था, तो उसने उसको इतने एरियाज में उसने डिवाइड कर दिया। जैसे जो थोड़ा एरिया था उसने उसको स्लीपिंग एरिया कर दिया, जहाँ पर उसने अपना बिस्तर लगाया था। देन नेक्स्ट ही डिवाइड दैट पाइप इन कुकिंग एरिया एंड अ पार्ट फॉर ड्राइंग क्लोथ, अ पार्ट फॉर कीपिंग ड्रिंकिंग वाटर, एंड अ पार्ट वेयर गेस्ट कैन सीट। तो इस तरह से उसने उस पाइप को उसने डिवाइड कर दिया कि चलो अभी ये इतना एरिया जो है वो सोने के लिए होगा, इतना एरिया कुकिंग के लिए यूज़ करेंगे, बाकी के एरिया में वहाँ पर वो अपने कपड़े सुखाएगा, और पीने का पानी रखने के लिए उसने अलग से जगह बनाई। तो लाइक दिस ही डिवाइड दैट पाइप इंटू डिफरेंट पार्ट्स। सो वी थर्ड क्वेश्चन था हमारा, इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम। अभी वो अपना सबसे ज़्यादा समय कौन से पार्ट में बिताता होगा? तो छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द लिविंग रूम। नॉर्मली हम जो बैठते हैं ना, जो लिविंग रूम जो हमारा होता है, जैसे गेस्ट आते हैं तो हम वहाँ पर बैठते हैं, तो उस पार्ट में छोटू को ज़्यादा से ज़्यादा रहना पसंद है। छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम बिकॉज
मोनू हैड नो प्लेस टू लीव एंड छोटू ऑल्सो नीडेड अ फ्रेंड। देखो उसने मोनू को इसलिए बुलाया था क्योंकि छोटू को एक तो फ्रेंड की ज़रूरत थी, उसके साथ कोई रहे, और दूसरी बात मोनू के पास कोई भी जगह रहने के लिए नहीं थी। दैट्स वाई ही कॉल्ड मोनू टू लिव विद हिम। देन व्हाई डू वी नीड अ हाउस। देखो आज सारे क्वेश्चंस और आंसर्स यहीं पर हैं, लेकिन ये पूरा हमारा टॉपिक होने के बाद आपको जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको टेक्स्ट बुक के अंदर ही उनके आंसर्स लिखने होंगे। ओके, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे इधर। व्हाई डू वी नीड अ हाउस, हमें हाउस की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज वी नीड हाउस बिकॉज हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड, एनिमल एंड थीव्स। हाउस जो है हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी सुरक्षा करता है। किन चीज़ों से? सबसे पहला आता है हीट, मतलब सूरज की जो सनलाइट जो होती है, गर्मी जो होती है, उससे हमें हाउस प्रोटेक्ट करता है। दूसरी बात रेन, जैसे बारिश हो रही है, बारिश में हमें घर चाहिए। देन कोल्ड, सर्दी के मौसम में भी हमें घर में रहने के बाद हम सिक्योर महसूस करते हैं। देन एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स से बचाने का काम भी हमारा घर करता है। और थीव्स, थीव्स मतलब चोर, जो चोर होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर्स में भी बहुत बार ऐसी न्यूज़ आती हैं कि कोई रात में घूम रहा था और उसको चोरों ने लूट लिया, तो इस तरह से होता है। ओके, सो दिस थिंग्स वी फील प्रोटेक्ट ओनली हेल्प ऑफ आवर हाउस। ओके, हाउस की वजह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट महसूस करते हैं। कनव सावले बेटा, आपका अकेले का माइक ऑन है, पूरी क्लास शांति से। अभी बिल्कुल माइक ऑन नहीं करना है। ओके, सो हमने देखा कि कैसे हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है इन डिफरेंट डिफरेंट वेज। लेट्स सी नेक्स्ट वन। व्हेन डज अ हाउस बिकम अ होम? जो हाउस होता है, घर होता है, वो होम कब बनता है? हमारा खुद का घर, जैसे एक खाली घर है, ठीक। आपने कोई ऐसा घर है जिसका भी नया कंस्ट्रक्शन हुआ है लेकिन वहाँ पर कोई भी रहने के लिए नहीं आया, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाउस ही कहते हैं। लेकिन जब उस घर में लोग फैमिली रहने लग जाती है, जब उसमें फैमिली रहती है, तब हम उसे कहते हैं होम, दिस इज माई होम। ओके, जब तक वहाँ पर कोई फैमिली नहीं रहती है तब तक वो सिर्फ हाउस होता है, लेकिन जब वहाँ पर फैमिली रहने लग जाती है तो वो होम हो जाता है। ओके, क्योंकि बिना लोगों के वो हाउस कुछ काम का नहीं, क्योंकि उस हाउस में कोई रहेगा ही नहीं, तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक, देखो कुछ हाउस ऐसे होते हैं कि जैसे कॉलोनी में एक हाउस ऐसा होता है कि जो बहुत बुरी हालत में होता है, जिसमें कोई रहता नहीं है, तो जिस घर में कोई रहता नहीं है उस घर की हालत बहुत बुरी हो जाती है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वन। सो पार्ट्स ऑफ हाउस, अभी हाउस के जो पार्ट्स है वो सबको पता है कि कौन कौन से पार्ट्स हमारे हाउस के होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको चैट बॉक्स में सिर्फ कमेंट करके मुझे आंसर्स देना है कि आपके हाउस के पार्ट्स कौन कौन से हैं। आपका खुद का जो हाउस है जिसमें आप रह रहे हो, उसके कौन कौन से पार्ट्स है आपको सिर्फ टाइप करके देना है। आपके घर में, आपके हाउस के जो जो पार्ट्स होंगे आपको सिर्फ टाइप करके उसको देना है। इसके लिए आपको 1 मिनट मिलेगा, आपको आराम से टाइप करना है। ओके, आपके हेल्प के लिए मैं थोड़ा सा इसको कुछ पिक्चर्स आपके सामने रख रहा हूँ।
इन पिक्चर्स के हेल्प से आप आसानी से बता सकते हैं। यस वेरी गुड। सिर्फ वॉल जो होती है वो आपके हाउस का पार्ट नहीं है। हम कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं? जैसे जो रूम्स हमने डिवाइड किए होते हैं, जैसे कुछ रूम्स हमारे उसी काम के लिए होते हैं, पर्टिकुलर हम उसके लिए उस जगह को फिक्स कर देते हैं कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ होगी। वेरी गुड। तो बहुत से लोगों के आंसर्स मतलब कॉमनली सबके यहाँ पर तीन चार रूम है, जिसमें बेडरूम है, किचन है, देन हॉल है और गैलरी भी है। ओके, सो इन दिस पिक्चर्स यू कैन सी द फर्स्ट पिक्चर जो है आपको स्क्रीन पर जो फर्स्ट पिक्चर दिख रहा है वो कौन से पार्ट का पिक्चर है, हाउस का कौन सा पार्ट है उसमें? जो फर्स्ट पिक्चर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो हाउस का कौन सा पार्ट है? जितना हो सके आप खुद टाइप करके आंसर दीजिए। बाकी लोग ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन में स्टूडेंट्स के लिए पूछता और उनके पेरेंट्स आंसर दे देते फटाफट, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, तो पहला जो है वो है हॉल या लिविंग रूम, हम उसे कहते हैं। ओके चलो, अभी सेकंड बताओ। सेकंड जो पिक्चर है, सेकेंड पिक्चर ये कौन सा पार्ट है ये हाउस का? सेकेंड जो पिक्चर है वो कौन सा पार्ट है हाउस का? ओके वेरी गुड। हाँ बहुत इजी है क्योंकि वहाँ पर बेड लगा है तो वो बेडरूम में है। ओके नाउ थर्ड, थर्ड जो पिक्चर बेडरूम है बेटा, आपको माइक बंद रखना है, सिर्फ टाइप करके आंसर देना है। रुक रहो, माइक बंद रखो। ओके थर्ड जो पार्ट है वो कौन सा है? बाथरूम या हम उसे वॉशरूम भी कहते हैं। ओके नाउ फोर्थ, फोर्थ जो पिक्चर है वो कौन सा पार्ट है उसका? फोर्थ पिक्चर जो है वो कौन सा पार्ट है? यस वेरी गुड। हाँ ऑब्वियसली सबको पता है कि वो किचन है। ओके एंड द लास्ट, चलो लास्ट वाला बताओ। अभी लास्ट वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं? चलो कुछ लोगों का कहना है कि स्टडी रूम, कुछ लोगों का कहना है लैब। ओके देखो, ये जो लास्ट वाला जो पिक्चर है ना, इसको ड्राइंग रूम भी कहते हैं। ठीक, उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग रूम कहते हैं उसे। ड्राइंग रूम उसे इसलिए कहा जाता है कि उसमें सारी चीज़ें होती है, वहाँ पे स्टडी भी होती है, ड्राइंग भी होती है। ओके नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन। सी इन क्लास टू ऑल्सो वी लर्न टू टाइप ऑफ हाउसेस, वन इज कच्चा हाउस एंड सेकेंड इज पक्का हाउस। क्लास टू में भी हमने सीखा है, क्लास वन में भी सीखा है, सेम थिंग। ओके सो कच्चा हाउस इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉ, लीव, स्टिक, मड एंड ग्रास। जो कच्चा हाउस जो होता है वो स्ट्रॉ, लीव्स मतलब पत्ते जो होते हैं, स्टिक्स होती है, ठीक, मड एंड ग्रास मतलब वो जो घास होती है उससे भी ये बनाए जाते हैं। ओके देन पक्का हाउस, इट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, ग्रेवल एंड सैंड। अभी इसमें क्या होता है, पक्का हाउस में जो हमारे सबके घर जो अभी बने हैं वो सारे पक्का हाउस हैं। आप जिस घर में रहते हैं वो सारे पक्का हाउस हैं।
क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी का घर ऐसा होगा कि जो घास से बना हो या फिर स्टिक से बना, लीव से, ऐसा किसी का घर अभी नहीं होगा। क्योंकि बहुत रेयर ऐसे घर होते हैं अभी कि जो कच्चा हाउस में आ सकते हैं। सो कच्चा हाउस इज़ वीक। कच्चा हाउस क्या होता है, वो बहुत वीक होता है, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। आपने देखा होगा कि न्यूज़ में भी आता है कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो जो कच्चा हाउस होते हैं वो गिर जाते हैं, उनकी दीवार गिर जाती है। ठीक, ऐसी न्यूज़ आपने सुनी होगी। देन पक्का हाउस इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन कच्चा हाउस। पक्का हाउस जो होता है वो कच्चा हाउस से स्ट्रॉन्गर होता है, मतलब वो पावरफुल होता है, वो बारिश हो कुछ भी हो वो गिरता नहीं है। देन कच्चा हाउस इट हैज़ ओनली वन स्टोरी। अभी जो कच्चा हाउस जो होता है उसमें सिर्फ, आपने देखा होगा कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें, एंड इट कैन बी मल्टी स्टोरेज। अभी जो पक्का हाउस जो होता है, अभी किसी किसी के सिर्फ नीचे का फ्लोर होगा, उसमें 3 रूम होंगे, कुछ लोगों के फर्स्ट फ्लोर हो सकता है, या फिर अभी आप जो पिक्चर में देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ऐसे अपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं। ओके, सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेस। नाउ ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी सम टाइप्स ऑफ हाउसेस। सो फर्स्ट वन इज हट, जो झोपड़ी जो होती है ना नॉर्मली, वो आपको फर्स्ट पिक्चर में वहाँ पर दिखाई देगी। देन इन सेकेंड पिक्चर यू कैन सी हाउस बोट। ये हाउस बोट जो होती है हमेशा वो पानी में होती है। लोग क्या करते हैं, बोट बनाते हैं, बोट के ऊपर ही हाउस बना देते हैं और उसको पानी में रखते हैं। तो इस टाइप के हाउस बोट आपको कश्मीर में देखने को मिलेंगे। ओके, देन थर्ड इज टिम्बर हाउस और वुडन हाउस। अभी लकड़ियों का घर, ये जो अभी थर्ड पिक्चर आप देख रहे हो वो पूरा लकड़ियों का बना है। इसका बेस भी लकड़ियों का है और ऊपर उसका जो रूफ है वो भी लकड़ियों का है। तो इस हाउस को कहते हैं टिम्बर हाउस। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन। ये जो आइस का हाउस आपको दिख रहा है इसे कहा जाता है इग्लू। दिस टाइप ऑफ हाउस वी कॉल्ड इग्लू। और उसके बाजू में आपको दिखेगा ये बंगलो टाइप एक हाउस है, जो स्पेशल घर होता है बड़ा सा, उसे कहते हैं बंगलो। और बंगलो जो होता है वो पक्का हाउस में आता है। देन आफ्टर दैट यू कैन सी अपार्टमेंट। अभी आप में से बहुत से लोग अपार्टमेंट में भी रहते होंगे कि जिसमें क्या होता है, नीचे पार्किंग एरिया होता है और उसके ऊपर फिर सारे हाउसेस होते हैं, फ्लैट्स होते हैं। ठीक, तो उन्हें कहा जाता है अपार्टमेंट। ये सारे हाउसेस जो आपके क्लास 1 2 में भी आपने देखे होंगे, आपके EVS के बुक्स में आपने बहुत बार इनको देखा भी होगा। देन लेट्स सी नेक्स्ट, बंगलो। सबको पता है बंगलो क्या होता है, एक बड़ा सा घर होता है उसे बंगलो कहते हैं। देन टेंट हाउस। ये जो टेंट हाउस है ये कपड़े का बना होता है और स्पेशली हम ये जो टेंट हाउस जो यूज़ किया जाता है वो अगर कहीं पर भी अगर पिकनिक के लिए कोई जाते हैं तो उस वक्त टेंट हाउस यूज़ होता है। ओके, देन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। समृद्धि बेटा आप माइक बंद रखो, कितनी बार बोला आपको कि आपके स्क्रीन पर माइक रेड कलर का होना चाहिए। मैं यहाँ से आपका माइक बंद कर रहा हूँ, आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। समृद्धि बेटा मैं आपका माइक बंद कर रहा हूँ, आप उसको ऑन मत कीजिए। बेटा आप
फिर से वही बात करें, आपके कोई पेरेंट्स हैं वहाँ पर बाजू में बैठे, आपके मम्मी पापा, तो उनको बताइए कि मेरा माइक जो है वो ऑफ करना है उसको। ओके, सो वी सीइंग सम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस हियर। इन अवर हाउस, देखो अभी हमें ऐसा लगता है कि हम सिर्फ हमारे घर में हम ही रहते हैं, हमारे मम्मी पापा ऐसे हमारी पूरी फैमिली रहती है, लेकिन हमारे साथ साथ ऐसे बहुत से छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो भी समृद्धि। बेटा मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा, अभी लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मैं यहाँ से आपका माइक बंद कर रहा हूँ, आपको उसको टच नहीं करना है अभी। ओके, यू मस्ट हैव सीन दैट सम एनिमल्स ऑल्सो लिव विथ अस इन अवर हाउस। सम ऑफ दीज एनिमल्स लिव विथ अस बिकॉज वी वॉन्ट देम टू, वाइल सम आर देयर अनइनवाइटेड। अभी देखो कुछ एनिमल्स हमारे साथ रहते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनको हम नहीं चाहते कि वो हमारे घर में रहे, लेकिन फिर भी वो हमारे घर में रहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको हम खुद लेके आते हैं हमारे घर में रहने के लिए, जस्ट लाइक डॉग, कैट, ये ऐसे एनिमल्स हैं कि इनको हम हमारे घर में रखते हैं एज अ पेट, ये पेट एनिमल है तो हम उनको घर में रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो हमारी इच्छा नहीं होती लेकिन फिर भी वो हमारे साथ रहते हैं, जस्ट लाइक हाउस फ्लाई। हमारी इच्छा होती है कि उसको रखने की, हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं कि हाउस फ्लाई हमारे घर में रहे, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ रहती है। देन स्पाइडर, स्पाइडर को भी हम नहीं बुलाते लेकिन फिर भी वो आ जाता है। देन कॉकरोच, कॉकरोच को भी कोई बुलाता नहीं लेकिन फिर भी वो आ जाता है। देन मॉस्किटोज, मॉस्किटोज भी आपने देखा होगा कि हम उनको भगाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। देन लिजर्ड, लिजर्ड भी घर में आराम से आपके वॉल पर आप देखोगे कि वो आराम से चलती है, वहाँ पर घूमती है, उसको ऐसा लगता है कि ये घर सिर्फ उसी का है, बड़े आराम से चलती हो। तो इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं अनइनवाइटेड। अभी इनवाइट का मतलब क्या होता है? इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना। जैसे समझो आपके रिश्तेदार में किसी की शादी है तो वो हमें कार्ड देते हैं और वो हमें इनवाइट करते हैं कि आपको शादी में ज़रूर आना है, ठीक, तो वो हमें इनविटेशन देते हैं। लेकिन देखो ये जो हाउस फ्लाई, स्पाइडर, कॉकरोच, मॉस्किटो, लिजर्ड, हम उनको इनविटेशन नहीं देते कि आओ हमारे घर में रहो, हम ऐसा इनविटेशन उनको नहीं देते हैं। दीज आर कॉल्ड अनइनवाइटेड एनिमल्स, जिनको इनवाइट नहीं किया जाता फिर भी ये ज़बरदस्ती आ जाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स टुडे वी लर्न अबाउट दिस चैप्टर छोटूज हाउस। इसमें हमने देखा कि कैसे छोटू एक छोटे से पाइप में रहता है। देन वी लर्न टाइप्स ऑफ हाउसेस, देन वी लर्न अनइनवाइटेड गेस्ट। ओके, नाउ अभी थोड़ा सा अभी आपके टेक्स्ट बुक के अंदर अभी हमें देखना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक का कुछ पार्ट है जो अभी यहाँ पर हमें क्लियर करना है। ओके, अभी आपके स्क्रीन पर आपके टेक्स्ट बुक के जो पेजेस हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। ओके, तो ये फर्स्ट पेज जो है ये छोटू सा उसका, ये पाइप वगैरह हमने इसको पीपीटी में भी इसको डिस्कस किया है। देन ये क्वेश्चन आंसर भी हमने डिस्कस किए हैं। नाउ लुक दिस पेज, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट।
आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको आपके नोटबुक के अंदर करना है, ओके। वहाँ पर टिक कर लो, जो आपको नोटबुक के अंदर करना है उसको टिक कर लो। देन हु ऑल लिव विथ यू इन योर हाउस, आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहता है, ये आपको टेक्स्ट बुक के अंदर करना है इसको, क्योंकि उसके लिए जगह वहाँ पर ब्लैंक्स वहाँ पर दिए गए हैं। देन छोटू डिवाइडेड द पाइप इंटू डिफरेंट पार्ट्स, राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस, आपके घर के डिफरेंट पार्ट्स जो है उनके नाम भी आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो जिन क्वेश्चंस के आंसर लिखने के लिए टेक्स्ट बुक के अंदर जगह है उनको टेक्स्ट बुक के अंदर ही कंप्लीट करना है, ओके। तो ये जो पेज नंबर 32 है ये आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही करना है। इसमें से सिर्फ पहला जो क्वेश्चन है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन नोटबुक, वही आपको नोटबुक के अंदर करना है। देन होम स्वीट होम, ये जो अभी मैंने आपको बताया कि सम आर इनवाइटेड एंड सम आर अनइनवाइटेड एनिमल्स इन आवर हाउस, तो उसी की एक छोटी सी ये पोएम जैसा है, ओके। तो इसको भी आपको रीड करना है। देन ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड, आपके घर में जो अनइनवाइटेड एनिमल्स रहते हैं उन दोनों के पिक्चर्स यहाँ पर ड्रॉ करने हैं और उनके नाम भी यहाँ पर नीचे आपको लिखने हैं। देन हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन, आप आपका घर कैसे साफ रखते हैं वो भी आपको लिखना है। और नीचे जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है। हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, आपको घर क्लीन रखने के लिए कौन कौन हेल्प करता है उनके नाम लिखने हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको करने हैं। देन व्हेन वी डेकोरेट आवर हाउस, जैसा कि आप सबको पता है कि कोई भी फेस्टिवल हो या कोई फंक्शन हो तो उस वक्त हम हमारा जो हाउस होता है वो डेकोरेट करते हैं। एंड टू डेकोरेट आवर हाउस वी यूज़ फ्लावर्स, देन रंगोली, लाइटिंग्स, बलून्स, दिस ऑल थिंग्स वी यूज़ टू डेकोरेट आवर हाउस, ओके। सो यू विल कंप्लीट दिस पेज ऑल्सो, दिस इज़ वेरी इजी लेसन, दैट्स वाई वी आर फिनिशिंग दिस लेसन, ओके। सो आज के लिए आपको होमवर्क ये है कि आपको इस लेसन का टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आंसर लिखने के लिए जगह है उनको वहाँ पर लिख लेना है, और सिर्फ दो क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक के अंदर करने हैं, ठीक। एक तो ड्रॉ योर हाउस, आपका घर कैसा है वो वाला क्वेश्चन, उसके बाद जो अनइनवाइटेड एनिमल्स वाला जो है ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी टू एनिमल्स, ये वाला क्वेश्चन, बस ये दो ड्राइंग के क्वेश्चंस आपको आपके नोटबुक के अंदर करने हैं। फिर बाकी का मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी आर गोइंग टू फिनिश दिस क्लास नाउ, अभी क्लास हमारा फिनिश हो रहा है, ओके। थैंक यू एवरीवन, बाय। बाय सर।